हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। आज हम लोग बात करेंगे भारत के 7 हिल स्टेशन के बारे में, जहां जाना हर किसी का सपना होता है। हिल स्टेशन का नाम सुनते ही दिमाग में आता है वहां का मौसम, सुंदरता, मनोरंजन और खाना। यही कारण है कि कई लोग हर साल अलग अलग हिल स्टेशन जाना पसंद करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपका और मेरा दोनों का टाइम वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले नंबर पर आता है मसूरी। मसूरी उत्तराखंड राज्य के देहरादून से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। इस हिल स्टेशन से शिवालिक पर्वतमाला और दून घाटियों का नज़ारा देखना ही बनता है दोस्तों। इस जगह का नाम मशहूर नाम की झाड़ी से लिया गया है, जो इस क्षेत्र में बहुत अधिक पाई जाती है। गर्मियों में यहाँ का मौसम बेहद सुहावना रहता है और सर्दियों में यहाँ बर्फबारी का मजा भी लिया जा सकता है। अगर आप यहाँ जाने की सोच रहे हैं तो यहाँ के कैंपटी फॉल्स, लाल टिब्बा सैनिक पॉइंट, ज्वाला देवी मंदिर और झरी पानी फॉल्स को ज़रूर देखें। तो दोस्तों, दूसरे नंबर पर आता है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा भी उत्तराखंड में ही पाया जाता है। अल्मोड़ा को भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है दोस्तों। यहाँ के बर्फ के पहाड़, रुई जैसी सफ़ेद बर्फ, हरी भरी घास, सुंदर झरने और यहाँ के सुंदर दृश्य इस हिल स्टेशन की सुंदरता में 4 चांद लगा देते हैं। यहाँ पहुँचकर आप अपनी थकान को पल भर में ही भूल जाएंगे। यहाँ का नंदा देवी मंदिर, चितई गोलू देवता मंदिर, कटरमाल मंदिर, बिनसार और कोसी देखने योग्य हैं। अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो आप अल्मोड़ा भी जा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, तीसरे नंबर पर आता है माउंट आबू। माउंट आबू राजस्थान का एक लौता हिल स्टेशन है। जहाँ राजस्थान में इतनी गर्मी पड़ती है, वहाँ माउंट आबू में तापमान कम रहता है। आज से ही नहीं बल्कि कई सालों पहले से जब राजस्थान के राजा महाराजा गर्मी से बेहाल हो जाते थे तो वह राहत पाने के लिए माउंट आबू चले जाया करते थे दोस्तों। पहाड़ों से घिरा हुआ यह स्टेशन सुंदर कलाकृतियों वाले मंदिरों से भरा हुआ है। यह जगह केवल हिंदुओं की ही नहीं बल्कि जैन धर्म के लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान के राजसी संस्कृति की झलक भी स्थान पर साफ देखने को मिलती है दोस्तों। तो दोस्तों, चौथे नंबर पर आता है मुन्नार, जो कि केरला में पाया जाता है। यह हिल स्टेशन भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध है। यह हिल स्टेशन अंग्रेजों के समय से ही प्रसिद्ध है। अंग्रेजों के समय यह उनका ग्रीष्मकालीन रिजॉर्ट हुआ करता था। मुन्नार शब्द असल में एक मलयालम शब्द है जिसका मतलब होता है तीन नदियों का संगम। मुन्नार में तीन नदियाँ एक ही जगह पर मिलती हैं, मधुरा पुझा, नल्ला थानी और कुंडली। इन तीन नदियों का संगम मुन्नार में होता है। मुन्नार अपने बेहतरीन मौसम के साथ साथ यहाँ दूर दूर तक फैले चाय के बागान, छोटी छोटी नदियाँ और झरनों के लिए भी प्रसिद्ध है दोस्तों। तो दोस्तों, पाँचवें नंबर पर आता है मनाली, जो कि हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। हमारी लिस्ट में ये पाँचवें नंबर पर है। ऋषि मुनि का घर माना जाने वाला मनाली किसी पहचान का मोहताज नहीं है दोस्तों। मनाली को इसकी सुंदरता के साथ साथ इसके हिंदुओं के लिए भी जाना जाता है। मनाली तक पहुंचना बहुत ही आसान है और यहां आपको अपने मनोरंजन के लिए सब कुछ मिल जाएगा, जैसे कि रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, ट्रैकिंग, हाइकिंग आदि। यहां कई ऐसे स्थान हैं जहां आपको ज़रूर जाना चाहिए, जैसे कि हिडम्बा मंदिर, विशिष्ट कुंड, मणिकरण, रोहतांग पास, सोलांग नाल। इसीलिए जब भी यहां जाएं आपको अतिरिक्त समय निकाल कर जाना चाहिए। तो दोस्तों, छठे नंबर पर आता है नैनीताल, जो कि उत्तराखंड में पाया जाता है। नैनीताल को जाना जाता है अपनी झीलों की वजह से। यह जगह पूरी तरह झीलों से घिरी हुई है। उत्तराखंड का यह हिल स्टेशन पर्यटकों का पसंदीदा स्थान है। आपको चाहे अपने दोस्तों के साथ घूमना हो या परिवार के साथ कुछ अच्छा समय बिताना हो तो हर तरह से यह स्थान आपके लिए परफेक्ट है। गर्मियों में नैनीताल की खूबसूरती और ठंडा मौसम सैलानियों को अपनी तरफ खींच लाते हैं और सर्दियों में बर्फबारी और विंटर स्पोर्ट्स इसे और भी आकर्षक बना देते हैं। यहाँ की सुंदरता ही काफ़ी है किसी को भी पागल करने के लिए। तो दोस्तों, आखिरी में सातवें नंबर पर आता है श्रीनगर, जो कि कश्मीर में है। किसी शायर ने कश्मीर के बारे में कहा था कि इस धरती का कहीं स्वर्ग है तो वह कश्मीर ही है। यह जगह ही इतनी खूबसूरत है कि इसे देखने वाले के मुंह से यही निकले कि कितनी खूबसूरत जगह है। यह एक ऐसा शहर है जिसमें कोई कमी नहीं है। सुंदर झीलें, धार्मिक स्थान, चारों ओर हरी भरी जमीन, हाउस बोट और इस स्थान को हर तरह से संपन्न बनाया गया है। इस जगह की सुंदरता को देखने के लिए कई लोगों ने कोशिश की और कई लोग इसे देख भी पाए होंगे दोस्तों। तो क्या आप यहाँ जाना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और लाइक एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर आपको ये वीडियो पसंद आई।